साढ़े नाल ने एस जी पी सी के प्रधान ए पी जगीर कौर जी। असियां इस टाइम आनंदपुर साहब की पवित्र धरती से अज होले महल के मौके देते तो बीबी जी को सब तो पहला तो असं बधाई दें दोबारा एस जी पी सी के प्रधान बन के तो अज इस मौके के उत्ते बीबी जी और कोई थोड़ा एक सवाल छोटा जहा जो कि साड़ी सिख संगतों को या नवी पीढ़ी को नहीं पता कि ये जो होला महला मनाया जाता है ये पिछे की तत्थ ने साडे गुरु साहब ने क्यों शुरू किया। सब तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद है सारी सिख संगत को सारे संसार सारिया खालसा पंथ कि अब होली महल का जो शक्ति का प्रतीक दिहाड़ा वो संबंध में सारी संगत एक तहसील पेश कर सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिंद जी कौम सी जी बुजदिल हो चुकी सी सदिया दलामियों ला के ये मानसिक तौर के उत्ते उन्होंने स्ट्रोंग बनाने वास्ते उन्होंने मजबूत करने वास्ते जी गुलामी दंजीर चो बहर कड़न वास्ते कि वो हमेशा ही जबर का मुकाबला कर सकन जुलम का मुकाबला कर सकन वो ताकत देने वास्ते बुढ़े महल के ये द्वार जी बनाए से बाणी ना जोड़ वास्ते उन्होंने नाम का रंग चाढ़ के सानू सारिया कमजोरिया दूर करके एक खालसा तैयार किया। मैं समझती हाँ कि खालसा जूझ के इन समाजिक कुरीतियों का समाजिक लानतों का जी काम क्रोध और मुहंकार वर्गिया चुगली निंदा वर्गिया बीमारियों को खत्म खात्मा करे और हमेशा हरी के नाम का रंगा जाए ये उन्होंने सूर मांगा था तो हर रंग लागू स्टेटमेंट सौंपी कहता सो असं सूर्य बनना खालसा जीवन अतीत करना सारी दुनिया में न्यारा अपना दिखा इसलिए जरा होने बीबी जी एक आखिरी सवाल छोटा जहा कि जी अच्छ सा नौजवान पीढ़ी है वो सिखी तो दूर होंगी जा रही है और नशा वालों ज़्यादा उन्होंने झुकाव होता जा रहा है तो हमने नाल के इंद्रपाल बड़ी बड़ी गल कही मैं उस टाइम बैठा से उसे कि पूरा तो जूड़ा उसका बड़ा महत्व दसिया तो पूरा साडा गुरबाणी का प्रतीक है तो जूड़ा साडा सिखी का केसगढ़ के उत्ते दस केसगढ़ की सारिया कौम कुछ ना कुछ कमजोरियां लेकिन साड़ी क्योंकि कौम न्यारी कौम एदा स्वरूप वखरा जिहड़ी सोच वखरी है एदा इतिहास बड़ा वडमुला है इस करके जिहड़ी कोई निक्की मोटी कमजोरी आउंदी है वो एकदम दिसदी है ता सानू महसूस होंदा कि साडे चो कमजोरी नहीं होनी चाहिए असी परिपक्व हो गए क्योंकि साढ़े वास्ते गुरु साहब जी ने बड़िया बड़िया शहादतों का इंजाम साढ़े सिंह ने किया गुरु साहबाना ने किया सो इस करके सानू संपूर्ण बनाया असी उस संपूर्णता में रहिए जो कोई थोड़ी बहुती भी कितने घाट महसूस होती है तो असं महसूस करते हैं कि खालसा पंथ घा ना लग जाए इस गल की चिंता की जाती है ता सुचेत करते हैं। सो मैं समझती हाँ कि सानू जदों असी गुरबाणी जदों असी पंजाबी नाल टुटते हैं मात भाषा नाल टुटते हैं असी गुरबाणी तो टुटते हैं जो असी गुरबाणी नाल टुट गए तो परमेश्वर के भुलियां व्यापन समझ लो ये सारे रोग फिर साढ़े को आ जाते हैं जो मनुख जरा रोगी बन जाता है फिर समझ लो कि गुरु घर तो असं दूर हो जाए बेमुख हो जाए बेमुख हो आराम से ये सारे साढ़े उत्ते फिर जड़िया बंशा लगिया होंगे ने सोरे गुलाब बन सो मैं समझती हाँ कि कोई ना गुरु कृपा करेगा जी अद यही बेनती करेंगे गुरबाणी नाल जुड़ो इस वाहेगुरू की रजा में रह के इस नाम का सिमरन करिए फिर अपने आप ही सब बीमारियां खत्म हो जाएगी तो वह रंग चढ़ जाएगा।